इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर पिछले 10 वर्षों से युवाओं का भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार कर रही है। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी में करीब 150 से अधिक युवक व युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट के साथ ही लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल क्वालिफाइड शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अकादमी में हॉस्टल व खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। आईआरडीपी से संबंधित बच्चों को 20-30% फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बिलासपुर में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए सांसद स्वास्थ्य मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा व डीसी विवेक भाटिया भी विशेष रूप पर मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वैन घर घर पहुंचकर डेंगू ग्रस्त मरीजों का इलाज करेगी। मोबाइल वैन अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों का उपचार कर चुकी है। अब ये वैन सदर हल्के के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मरीजों का चेकअप करेगी। आदरणीय नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है केंद्रीय मंत्री होते हुए। अब राज्य की सरकार को, जो पिछली सरकार थी उसने तो जमीन भी, आपको पता है, एम्स की जमीन देने के लिए कितने वर्ष यहाँ पर खराब कर दिए। अगर देखा जाए तो मेरे संसदीय क्षेत्र में ही पीजीआई मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, एम्स मिला। हम केंद्र से तो लाते रहे, मोदी जी से मांग कर लाते रहे, लेकिन प्रदेश की पिछली सरकार ने जमीनें तक उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन जब से जयराम जी की सरकार आई है, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, बिलासपुर में भी जमीन जो मिली अब उस पर टेंडर के प्रक्रिया शुरू हो गई, ऊना में पीजीआई के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी गई है। हमने अब काम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रॉमा सेंटर में भी उसको जो उचित सुविधाएं हैं वो मिले और उसको शुरू किया जा सके। बड़े हस्तियों के सामाजिक क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। जो लोग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जो लोग स्वास्थ्य सेवा के ऊपर जब अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए आपने ऐसी स्वास्थ्य सेवा जो है वो मोबाइल आपने जो है वो हर गांव तक जो है वो पहुँचाई है। और आज मुझे इस बात की जानकारी मिली कि 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो है इस मोबाइल के माध्यम से जो है वो जनता जो है वो लाभ उठा चुकी है। और आज जहाँ गांव स्तर के ऊपर आज जहाँ डेंगू जैसा भयानक रोग जो है वो लोगों को हो रहा है, लेकिन जब जांच नहीं होगी तो पता नहीं लगेगा, और जब पता लगेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। आप ऐसी सेवा दे रहे हैं, मैं इनको आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे पहले भी आपने नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान लिया। नशे से दूर रह कर के वो जो नौजवान है वो खेल के मैदान तक पहुँचे, सांसद खेल महाकुंभ का आपने जो है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अश्वनी पंडित की रिपोर्ट।